फिर मिला एक और गिद्ध, आशंकाओं का बाजार हुआ गर्म। हाल ही में बेनीपुर के हावी भंवर में सेंसर लगे गिद्ध के मिलने से मची सनसनी। अभी थमी भी नहीं थी कि बुधवार को एक और गिद्ध मिलने से आशंकाओं का बाजार पुनः गर्म हो गया। इस बार यह गिद्ध अलीनगर प्रखंड के धमुआरा के चौड़ में मिला है। स्थानीय लोगों के सहयोग से इसे पकड़कर वन विभाग के अधिकारियों द्वारा इसे दरभंगा वन परमंडल कार्यालय लाया गया। इस प्रकार टैग लगे गिद्ध के मिलने को लोग इसे दुश्मन देश के साजिश से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि वन विभाग के अधिकारी द्वारा इसे मॉनिटरिंग प्रक्रिया कहकर पल्ला झा रहे हैं, पर ट्रैकिंग डिवाइस या पैर में लगे टैग के विषय में वे स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। वरीय अधिकारियों द्वारा जांच की बात केवल कह रहे हैं। मौके पर मौजूद बेनीपुर के अंचल पदाधिकारी शशि प्रकाश ने बताया कि विलुप्त हो रहे गिद्धों की मॉनिटरिंग के लिए सेंसर एवं टैग लगाया जाता है, पर लगता है कि भोजन नहीं मिल पाने और कमजोर होने के कारण गिद्ध गिर जा रहे हैं। दुश्मन देश के साजिश के संबंध में पूछने पर उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत नहीं होता है, फिर भी छानबीन चल रही है। इकोलॉजी विभाग के द्वारा सर्वे किया जाता है, जिसके कारण उसका टायर में टैग लगाया जाता है और GPS लगाया जाता है उसका हैबिटेट के विषय में, उसका रहन सहन का, चूँकि ये बहुत संख्या कम होती जा रही है, इसी पर इसकी रिसर्च की जा रही है। हो सकता है कि ये खान पियान के चलते कमज़ोर हो गया हो, इसलिए वो चौर में बैठ गया था, जिसके संबंधित थाना के द्वारा हम लोग को सूचित करके इसको हैंडओवर किया गया। फिर आगे जो है वन परमंडल पदाधिकारी जैसा निर्णय करेंगे, बायोलॉजिकल पार्क में भेजना है कि क्या करना है, उनके निर्णय के ऊपर किया जाएगा। हमारा जिला नहीं है, चूंकि ये दरभंगा जिला का मामला है, तो दरभंगा जिला से संबंधित हम बात कर सकते हैं। लेकिन इसी पर तो रिसर्च किया जा रहा है, इकोलॉजी विभाग अपना टैग लगाकर रिसर्च कर रहा है, उसको छानबीन चल रही है। अच्छा, उस पे N15 नंबर लिखा हुआ था, इसका कोड होता है, आप जाइएगा इसमें नेट पर, तो उसको नेट पर दिया हुआ है कितना नंबरिंग का सब मेरे को रिसर्च हो रहा है इकोलॉजी विभाग का। हमने टोटल भेज दिया है DFO को कि ये टैग का ये सब रिसर्च किया जा रहा है। इसका सुविधा अभी रिसर्च चल रहा है, चूंकि ये संख्या बहुत कम हो रहा है, इसी पर रिसर्च चल रहा है। इसका हैबिटेट के विषय में, इसके रहन सहन में, इसका क्यों कम हो जा रहा है इसकी संख्या। लोगों को तरह तरह का अफवाह फैला रहे हैं कि ये विदेश से आया है, जासूसी का। सर ऐसा नहीं है, इस पर छानबीन चल रही है। ये मान लिया जाए ये अपना वन विभाग का ही काम है, इसको टैगिंग करना है। जी, विभाग का काम है, वन विभाग का काम नहीं है। फिर मिला एक और गिद्ध, आशंकाओं का बाजार हुआ गर्म। हाल ही में बेनीपुर के हावी भंवर में सेंसर लगे गिद्ध के मिलने से मची सनसनी। अभी थमी भी नहीं थी कि बुधवार को एक और गिद्ध मिलने से आशंकाओं का बाजार पुनः गर्म हो गया। इस बार यह गिद्ध अलीनगर प्रखंड के धमुआरा के चौर में मिला है। स्थानीय लोगों के सहयोग से इसे पकड़कर वन विभाग के अधिकारियों द्वारा इसे दरभंगा वन परमंडल कार्यालय लाया गया। इस प्रकार टैग लगे गिद्ध के मिलने को लोग इसे दुश्मन देश के साजिश से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि वन विभाग के अधिकारी द्वारा इसे मॉनिटरिंग प्रक्रिया कहकर पल्ला झा रहे हैं, पर ट्रैकिंग डिवाइस या पैर में लगे टैग के विषय में वे स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। वरीय अधिकारियों द्वारा जांच की बात केवल कह रहे हैं। मौके पर मौजूद बेनीपुर के अंचल पदाधिकारी शशि प्रकाश ने बताया कि विलुप्त हो रहे गिद्धों की मॉनिटरिंग के लिए सेंसर एवं टैग लगाया जाता है, पर लगता है कि भोजन नहीं मिल पाने और कमजोर होने के कारण गिद्ध गिर जा रहे हैं। दुश्मन देश के साजिश के संबंध में पूछने पर उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत नहीं होता है, फिर भी छानबीन चल